हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्टैंड फैन बनाया है और ये जो स्टैंड फैन है ये 3-1 स्टैंड फैन है। आप इसे 12 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हैं और इसे आप बिजली से भी चला सकते हैं और इसे आप बिजली से चार्ज भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर लेवल इंडिकेटर भी देख सकते हैं, ये लेवल इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है हमारा बैटरी कितना चार्ज है, कितना चार्ज नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा फुल चार्ज है, इसलिए ये पूरा फुल लाइट जल रहा है। तो ये हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर हो गया। और जैसे कि ये सारे मोटर देख रहे हैं, अभी ये वाला जो हमारा है ये हमारा बिजनेस चलता है, ये वाला जो है हमारा ये चार्जिंग है, अभी हमारा चार्जिंग में लगा हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा चार्जिंग में हो रहा है और लेवल बैटरी लेवल इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया है। तो मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये हमारा बिजली का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना स्पीड हवा दे रहा है, ये कितना स्पीड चल रहा है मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा। तो पहले अभी इसे बंद करें, इस वाला स्विच है इसे मैं ऑन करता हूँ, ये हमारा बैटरी का स्विच है। तो जैसे कि आप देखते हैं अभी ये हमारा बैटरी से चल रहा है, बंद करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारा चल रहा है, अभी हमारा कोई भी एसी का इनपुट इसके अंदर नहीं है, स्टैंड फैन का फ्यूचर्स है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, तो गाइज अब मैं यहाँ पर आपको इसका हवा का टेस्ट दिखाता हूँ कितना स्पीड में हवा दे रहा है। जैसे कि देखते हैं मैंने यहाँ पर ये मोटर कपड़ा ले लिया है और ये जैसे कि देखते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड हवा दे रहा है। जैसे कि देखते हैं अभी कितना स्पीड हवा दे रहा है। फैन कैसे बनेगा तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और आपको इस वीडियो में दिखाते हैं ये स्टैंड फैन हम कैसे बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टैंड फैन का जो स्टैंड होता है नीचे वाला जो हमारा बेस होता है वो यहाँ पर मैंने ले लिया है। जो 6 इंची का पाइप आता है मैंने उसी से इसको सीट बनाया है और सीट बनाकर फिर मैंने इसे कर्व शेप दे दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्टैंड ऐसा लगता है अंदर से। तो इसी के अंदर हम जो भी कनेक्शन, जो भी वायरिंग कनेक्शन होगा सारा चीज़ हम इसी के अंदर करेंगे। हमें जो भी स्विच लगाना है, रेगुलेटर लगाना है, सारा चीज़ हम इसी के अंदर लगाएंगे और इसी के अंदर हमारे वायरिंग कनेक्शन करेंगे। स्टैंड फैन बनाने के लिए हम कौन सा सर्किट यूज़ करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये 12 वोल्ट की हम बैटरी लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस अगर आपको भी ये बैटरी बनाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं। रेगुलेटर है, ये हमारा जो मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो ये हमारा सर्किट है, अगर ये फुल चार्ज होगा तो ये हमें ग्रीन इंडिकेटर पूरा ग्लो करेगा, अगर उससे थोड़ा और कम होगा तो फिर हमारा ब्लू, उससे जब डेड होने लग जाएगा तो हमारा रेड ग्लो करेगा। तो इसलिए हम बैटरी इंडिकेटर का भी यूज़ करेंगे। अब हमारा जो सप्लाई होगा एसी सप्लाई, हम इसमें एसी सप्लाई देंगे तो हम इसमें ट्रांसफार्मर को भी यूज़ करेंगे। ये हमारा 12012 का है और 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और इसके अंदर हम 12 वोल्ट सप्लाई के लिए यहाँ पर हमने 4 डायोड लिया है और 1 कैपेसिटर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर हमारा 4700 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर है और ये हमारा ब्रिज इलेक्ट्रीफायर है, इससे हमारा 12 वोल्ट ये सप्लाई करेगा, इससे हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो यही सारा हम कंपोनेंट इसमें यूज़ करेंगे स्टैंड फैन में। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम ऐसे रोटेट कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम 12 वोल्ट की बैटरी फिक्स करेंगे। इसको मैं अंदर साइड में फिक्स करूँगा। अभी यहाँ पर हम जिप टाई लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जिप टाई है तो इसको हम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 निशान लगा लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, और इधर भी हम वैसे ही निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है यहाँ पर हम ड्रिल मशीन से छेद कर लेंगे। हमने यहाँ पर 4 होल कर लिया है और यहाँ पर इस होल से हमारा जिप टाइप आराम से निकल जाएगा, जैसे कि हम आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इस जो हमारा ये बैटरी है इसको हम अंदर से फिक्स कर लेंगे, इसको हमने रोटेट कर लिया है। अब यहाँ पर इसे बैटरी को फिक्स करेंगे। जिप टाइप मेरा छोटा है, आप इससे थोड़ा बड़ा लेना, मैं इसमें क्या करूँगा यहाँ पर एक और जिप टाई लगा के इसे थोड़ा बड़ा कर लूँगा। हम जिप टाई लगा लेते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देखते हैं हमारा जिप टाई अच्छे से लग गया और हमारा बैटरी फिक्स हो गया है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस ये कितना अच्छे से फिनिशिंग आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर है, तो यहाँ पर हम जैसे कि आप ये देखते हैं हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। इसको भी हम अंदर की तरफ से लगाएंगे, यहाँ पर जितने LED हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी 6 LED हैं, आपकी मर्जी आप कितना भी LED लगा सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर 6 LED लगाए हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका निशान लगा लेते हैं, निशान लगा लिया। गाइस मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताया कि ये मैंने बनाया कैसे है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन LED लिया है, 2 ब्लू LED लिया है और 2 रेड LED लिया है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो हमारा लैग जा रहा है सीधा एकदम स्ट्रेट,
तो ये जो हमारा पूरा लैग है, ये हमारा पूरा लैग नेगेटिव है। हमने नेगेटिव को एक साथ जोड़ दिया, पूरा नेगेटिव को हमने एक साथ जोड़ दिया, और इसका हमने अलग से एक नेगेटिव निकालेंगे। और जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हमने एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, फिर इस एलईडी की पॉजिटिव को एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे हम जोड़ते गए। अब इसमें हमने डायोड कैसे यूज़ किया है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड से हमने स्टार्ट किया है, पॉजिटिव के साथ फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे हम यहाँ पर लेके आ गए और नेगेटिव निकालेंगे और यहाँ से हम पॉजिटिव निकालेंगे। और इसका कुछ इस प्रकार से इसका वायरिंग कनेक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम होल कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एलईडी लगेगा। तो यहाँ पर होल करने के लिए फिर से हम ड्रिल मशीन यूज़ करेंगे। हमने पूरा इंडिकेटर अच्छे से लगा लिया है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा पास में, ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। और मैं हेल्प का यूज़ किया है, आप यहाँ पर ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेंटर में लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी हमारा अंदर से ही लगेगा, हम बाहर में इसका ये नोब है ये हम बाहर निकालेंगे। इसको निशान लगा लेते हैं, तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं हमने यहाँ पर सेंटर में छेद कर लिया है। लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे मैंने बनाया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा मैं पास में ला के दिखाता हूँ, ये LM317 है जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो ये हमने पोटेंशियल मीटर यूज़ किया, ये 10K का है। तो यहाँ पर जैसे कि आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो रेजिस्टेंस यूज़ किया ये 220 ओम क्वार्टर वाट में मैंने ये यूज़ किया है। तो ये सारा आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। अब यहाँ पोटेंशियल मीटर दिख रहा है, इसका जो ये बेस है पॉजिटिव, उसके साथ ये इसको मैंने जोड़ दिया है। और फिर अब हमने क्या किया, ये जो हमारा ये पोटेंशियल मीटर का जो लेफ्ट वाला साइड है, इसके साथ हमने ये दोनों नेगेटिव लेग निकाला। फॉस्फेट का राइट हैंड वाला जो पॉजिटिव है, इसके साथ हमने एक पॉजिटिव वायर ले लिया। जो डिस्टेंस का जो एक लेग है, ये हमने पोटेंशियल मीटर के बेस के साथ जोड़ दिया है। और जो दूसरा लेग है वो हमने मॉस्फेट के बेस के साथ जोड़ दिया है। और यहाँ से हमने एक पॉजिटिव इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। आपको मैंने बता दिया ये मैंने कैसे बनाया। अब इसको हम जल्दी से इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं, जैसे हम उल्टा करेंगे जिस प्रकार से हमें ऐसे लगाना है, और इसे हम ऐसे कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा रेगुलेटर अच्छे से फिक्स हो चुका है, मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर वाला अब हम कैप लगा देते हैं। यहाँ पर हम आप ट्रांसफार्मर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप ट्रांसफार्मर को भी हम यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे फिक्स करेंगे नट बोल्ट से। रेक्टिफायर को यूज़ करेंगे, तो इससे हमारा 12 वोल्ट ये DC देगा। तो इसके साथ हम ये कनेक्शन कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ट्रांसफार्मर को अच्छे से नट बोल्ट से टाइट लगा लिया एकदम। और यहाँ पर हमने वायरिंग कनेक्शन कर लिया है, यहाँ पर हमने दो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर निकाल लिया है, और यहाँ पर दो AC का वायर निकला हुआ है। अब तो ये सारा सामान हमारे इसके अंदर फिक्स हो चुका है, अब इसके बस वायरिंग कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम इसे रोटेट कर लेते हैं। चलिए SPST हम यहाँ पर स्विच लेंगे कुछ, और इसका क्या करेंगे, बैटरी से चलाना है तो उसके लिए एक अलग से स्विच रहेगा, और जैसे हमें ट्रांसफार्मर से बिजली से चलाना है तो इसलिए एक अलग से स्विच रहेगा। बैटरी लेवल इंडिकेटर है, ये हमेशा जलता रहेगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक स्विच लेंगे। यहाँ पर 3 स्विच लेंगे, अगर और भी कोई स्विच लगता है तो हम फिर लगाएंगे। यहाँ पर 3 स्विच लगाएंगे, तो यहाँ पर इसका निशान लगा लेता हूँ, इसे कट करके फिर हम स्विच को फिक्स कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। हमने अच्छे से स्विच को फिक्स कर लिया, हमने फेवरेट से स्विच को फिक्स किया। ये हमारा जो भी मटेरियल इसमें लगाना था वो हमारा मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, अब बस इनका कनेक्शन करना है। तो इनका कनेक्शन करते हैं जल्दी से। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारा सारा कनेक्शन करना है, हमारा सारा मटेरियल तो लग चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो आपको वायर दिख रहा होगा, इनपुट आएगा इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसका ये दोनों हमारा वायर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा दोनों व्हाइट वायर बिजली का है, ट्रांसफार्मर का जो बिजली का वायर है हम उसको डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा हमने ये AC का वायर कनेक्शन कर लिया है, उनका DC वायर है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे रोटेट कर लेते हैं। तो ये जो ब्लैक वायर आपको दिख रहा है, इन तीनों में से कोई से भी स्विच का आप कोई से भी स्विच को आप लेकर उसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं ये वाला स्विच लूँगा, और इसके साथ मैं ये सोल्डिंग कर दूंगा एक वायर। आपको भी अगर ये 12 बोल्ट का सप्लायर बनाना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ चेकआउट करिए। और मेरे का जो ये पॉजिटिव वायर है, ये बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ ज्वाइंट कर देंगे। मगर उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायोड यूज़ करना है, जो कि IN4007 है। तो इसके अंदर मैंने ये डायोड यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है ताकि जो बैटरी ये चार्ज करेगा, जैसे चार्जिंग के वक्त इसका जो पावर है ये वापस ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाए, इसलिए हम डायोड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ट्रिक पॉजिटिव वायर में लगा देंगे हम।
जैसे देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से लगाना है। तो यहाँ पर हमारा इतना कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये जो आपको बैटरी का नेगेटिव वायर दिख रहा है, इसका कनेक्शन हम इस स्विच के जो ये वाला पॉइंट रह गया था इसके साथ हम जोड़ देंगे। हमारा बैटरी का नेगेटिव वायर था वो हमने स्विच के साथ जोड़ दिया है। जब भी ये हम एसी इसके अंदर इनपुट करेंगे तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। ये हमारा पॉजिटिव वायर रहेगा। तो यहाँ पर जो ये हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर है इसके पॉजिटिव के साथ ज्वाइन कर देंगे। इसी के आप देख सकते हैं हमने पॉजिटिव लेग के साथ जोड़ दिया है, नेगेटिव वायर है तो इस बैटरी लेवल इंडिकेटर के हम नेगेटिव लेग में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर मैंने दो वायर निकाल लिया है बैटरी इंडिकेटर का। तो आप क्या करेंगे, जो इसका हम एक वायर लेंगे, कोई सा भी एक हम वायर लेंगे इसका, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वायर लिया है, यहाँ हम स्विच के साथ लगा देंगे। तो एक बार मैंने स्विच के साथ लगा दिया है। अब क्या करेंगे, जो ये हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर का नेगेटिव वायर है हम बैटरी के नेगेटिव वायर के साथ जॉइंट कर देंगे। ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्विच का जो इसका सेकंड लेग रह गया था इसके साथ हम एक और वायर जॉइंट करेंगे। आई होप आपको वायरिंग कनेक्शन अच्छे समझ में आ रहा होगा। बैटरी लेवल इंडिकेटर का स्विच के साथ हमारा एक वायर जुड़ गया था, अभी दूसरा वाला जो वायर है बैटरी का पॉजिटिव वायर है इसके साथ हम जॉइंट करेंगे। अगर डायोड के इस तरफ हम जॉइंट नहीं करेंगे, डायोड के इस तरफ हम जॉइंट करेंगे, हमारा लाइट भी ग्लो कर गया है ये जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर स्विच ऑफ करता हूँ, यहाँ पर मेरा स्विच ऑफ हो गया है। तो इससे हमारा क्या होगा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा रोटेट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ग्रीन एलईडी ग्लो कर रहा है, ग्रीन एलईडी हमारा फुल चार्ज है और जो ब्लू एलईडी है वो हमारा मीडियम चार्ज है और जो रेड एलईडी हमारा लो चार्ज है। तो हमारे यहाँ पर अभी फुल चार्ज है इसलिए हमारा ग्रीन एलईडी ग्लो कर रहा है। और मैं स्विच एक बार ऑफ़ करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर ऑफ हो गया है। अभी से हम पलट लिया तो जो हमारे स्विच का ये तार था इसके साथ हम सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सोल्डिंग कम्प्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारा एक रेगुलेटर और यहाँ पर हमारा एक स्विच रहता है, लाइट रहे ना रहे हमारा मोटर दोनों से चलेगा। हम बैटरी से भी चला सकते हैं और ट्रांसफार्मर से चला सकते हैं, इसलिए हम दोनों का कनेक्शन इसमें देंगे। जो हमारा ट्रांसफार्मर चलेगा वो हमारा रेगुलेटर में कनेक्शन रहेगा और जो हमारा बैटरी चलेगा वो डायरेक्ट हमारा स्विच का कनेक्शन रहेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर से रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे और मोटर का वायरिंग निकालेंगे। यहाँ पर हमने दो वायर ले लिया है, ब्लैक और रेड, ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए रहेगा। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट जो डीसी सप्लाई आ रहा है तो उसके साथ हम ये कनेक्शन करेंगे। तो जहाँ से हमारा 12 वोल्ट का डीसी पॉजिटिव आ रहा है तो उसके साथ हम यहाँ पर एक रेड वायर और जोड़ देंगे। हमारा ब्लैक वाला है, इसके साथ सेम ब्लैक वाला वायर जोड़ देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई निकाल लिया है। अब इसका जो ये एक्स्ट्रा वायर है इसको हम कट कर लेंगे। ये जो हमारा रेगुलेटर था, रेगुलेटर का जो हमारा इनपुट वाला जो वायर है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दोनों इनपुट वाला वायर है, आपको मैंने पहले बता दिया कौन सा हमारा इनपुट वाला वायर है। हमारा इनपुट वाला वायर है उसके पॉजिटिव के साथ पावर सप्लाई है, इसके पॉजिटिव के साथ जॉइंट कर देंगे। पावर सप्लाई का नेगेटिव वायर रह गया, तो हमारा रेगुलेटर का इनपुट नेगेटिव वायर है उसके साथ हम ये पावर सप्लाई के नेगेटिव वायर के साथ जॉइंट कर देंगे। इसमें भी हम टेपिंग कर देंगे। हमारा मोटर में जाएगा तो हमारा रेगुलेटर काम करने लग जाएगा। तो इतना हमारा वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम बैटरी से अगर मोटर चलाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा बैटरी का नेगेटिव वायर यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके साथ हम एक वायर और जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया है वही वायर हम यहाँ पर इस वाले स्विच के साथ जॉइंट कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा वायर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मोटर के लिए रहेगा। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव वायर यहाँ पर जोड़ देंगे और जो मोटर का पॉजिटिव वायर रहेगा वो बैटरी का जो ये पॉजिटिव वायर है इसके साथ जॉइंट कर देंगे। ऐसे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमारा दो मोटर के वायर निकल चुके हैं, एक जो ये हमारा बैटरी से चलेगा और एक हमारा इससे चलेगा जो कि हमारा रेगुलेटर है। तो गाइज यहाँ पर मेरा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम रोटेट करते हैं और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा भी बैटरी लेवल इंडिकेटर भी पूरा अच्छे से ग्लो कर रहा है क्योंकि भी हमारा पूरा फुल चार्ज है। और यहाँ पर हमारा तीन वायर निकला है, जो कि एक हमारा जो बिजली से है
और ये दोनों हमारा मोटर का है। अब इसका 2.5 इंची वाला हम पाइप लेकर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये 2.5 इंची वाला पाइप ले लिया है। आपको भी अगर ये इसी साइज का बनाना है तो आपको भी 2.5 इंची वाला पाइप लेना पड़ेगा। और इसमें मैंने आपको दिखाया नहीं कि इसमें मैं कौन सा मोटर यूज कर रहा हूँ। सेंटीमीटर की बात करें तो ये 43 सेंटीमीटर का है। ये ESP मोटर है, हाई पावरफुल मोटर है। और जैसे कि आप देखते हैं ये 12 वोल्ट DC मोटर है। हमने वायर निकाला है, इस पाइप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ से हम फेविक्विक लगाएंगे और हम MCL लगाएंगे। फेविक्विक से ज्वाइन कर लेते हैं। कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा पाइप लग चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर से यहाँ पर MCL इसके चारों तरफ लगा देंगे। तो इसके अंदर हम चारों तरफ MCL लगा लेते हैं। कि आप देखते हैं मैंने MCL लगा लिया है। तो अब इसको MCL को सूखने देते हैं। तो इसके ऊपर आगे हम काम करेंगे 1 से 2 घंटे के बाद। हमारा MCL भी अच्छे से सूख चुका है। तो आपको मैं जैसे कि दिखाता हूँ टच करके, जैसे कि आप देखते हैं बहुत अच्छे से सूख चुका है। तो अब गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मोटर ले लेंगे। अब मोटर के कनेक्शन करेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे बाय कर सकते हैं अगर आपको बाय करना है। तो मैं इसे साइड करता हूँ और मोटर यहाँ रखता हूँ। मैं जो कबाड़ से लेकर आया था जाली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जाली है और ये किसी और फैन का जाली है, कबाड़ से मैं लेकर आया था। तो इसका ही मैं यूज़ करके स्टैंड फैन बना रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, जो ये हमारा मोटर है जैसे कि आप देखते हैं ये वाला मोटर, हम इसके अंदर फिक्स करेंगे, फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे मोटर को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इसे उल्टा करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अब L लूँगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ L हम लेकर आते हैं। तो इसमें मैं अपना L लगाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा जो सेंटीमीटर है L का, वो मेरा 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने मैकेनिज़म बनाया है और ये मैकेनिज़म आपको भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब रोटेट अभी हो रहा है, हमारा ये जो जाली है वो हमारा रोटेट करेगा, ऊपर नीचे हमारा रोटेट। इसे हमने रोटेट वाला इसलिए बनाया, कोई भी अगर इंसान ज़मीन पर सोता है तो उसे हवा मिले, कोई भी इंसान अगर कुर्सी पर बैठता है तो उसे भी हवा मिलेगा, इसलिए हमने इसे रोटेट वाला बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो ये आपको डायमेंशन दिख रही है हमारा 3 इंच का है। तो उसके अंदर मैं मोटर फिक्स करूंगा और नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने कैसे मैकेनिज्म बनाया। तो सबसे नीचे मैंने 3 इंच का ये आपको जैसे कि दिख रहा है ये मैंने सर्कल कट कर, फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो सीट लिया है PVC सीट लिया है उसको मैंने कर्व करके और उसे फिर मैंने नट बोल्ट से टाइट कर लिया है। इससे क्या होगा, जो सामने हमारा स्टेंट रहेगा वो हमारा अच्छे से फिक्स हो जाएगा और जो हमारा सर्कल है वो हमारा अच्छे से उस पर फिक्स हो जाएगा। तो आप अपना मैकेनिज्म को साइड रखते हैं और यहाँ पर जो मेरे स्टैंड फैन उल्टा कर लेते हैं। और उसके बाद अभी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो वायर निकला हुआ है, वायर हमारा बैटरी का और 2 वायर हमारा ट्रांसफार्मर का, हमने आपको पहले बता दिया था। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, दोनों वायर को हमने निकाल लिया है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो चारों वायर है पाइप है उसको हम अपने पाइप को हम से हम जोड़ देंगे। गाइस जैसे कि देखते हैं इसका फाइनल लुक ऐसा कुछ लग रहा है लगाने के बाद, मैंने इसको फेविक्विक से जॉइंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा जो मोटर है इसका जो ये 2 वायर है, ये दोनों वायर को मैं बाहर निकाल करके ये चारों वायर के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। 4 तार है, उसमें से 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है। तो दोनों पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मैं लगा दूंगा मोटर के और जो दोनों नेगेटिव है नेगेटिव के साथ लगा दूंगा मोटर के। तो जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा स्टैंड फैन का फाइनल लुक है और ये MCL लगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। जो हमारा तार था वो हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा था 12 वोल्ट सप्लाई, और एक जो था वो हमारा बैटरी से आ रहा था। चारों तार को मैंने एक साथ जब लगाया मोटर में तो ये वर्किंग नहीं कर रहा था। तब मैंने इसको एक बार चला के देखा तो ये बैटरी का वर्किंग कर रहा था, मगर एक साथ जब मैंने दोनों को लगाया तो ये वर्किंग नहीं कर रहा था। फिर हम आपको मैंने जैसे कि बताया था कि अगर कोई भी बीच में स्विच लगाना होगा तो हम स्विच लगाएंगे। ये हमने स्विच लगा रखा है, ये हमारा जो है वो रेगुलेटर का है। जैसे कि आप देखते हैं ये हमारा रेगुलेटर को कंट्रोल करेगा, इसको लो करता था मगर ये पूरा बंद नहीं करता था, इसलिए हमने यहाँ पर स्विच लगाया। और ये स्विच अब क्या करेगा, हमारा रेगुलेटर को कंट्रोल करे। हमने पहले स्विच नहीं लगाया था और ये हमें लगाना चाहिए था, तो अब यही हमसे गलती हुई थी, अब इसको हमने सुधार लिया है। ये पहले हमारा बैटरी का स्विच था, अब ये हमारा रेगुलेटर का स्विच हो गया है। और जो हमारा बगल वाला स्विच हो गया ये हमारा बैटरी का स्विच हो गया है। तो यही हमने चेंजेस किया था। रेगुलेटर के लिए एक स्विच तो लगा लिया, अब इसे हमें जल्दी से पेंट कर लेते हैं फिर आपको मैं लास्ट इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। एडजस्टेबल 3-in-1 स्टैंड फैन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।